हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम के लिए फुल्ली तैयार हो चुके होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस भर्ती में नियर अबाउट 40 से 50 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और सीट्स जो है 62,000 के आसपास है। तो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों का फाइनली सिलेक्शन होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कंपटीशन कितना टफ़ रहने वाला है, कितना मुश्किल रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी रणनीति के बगैर अगर आप इस एग्ज़ाम में एंटर करते हैं तो डेफ़िनेटली जो है सफलता काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपके पास एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो अच्छे से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोगों ने एक प्लान तैयार कर लिया होगा, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। इन केस मान के चलिए कि अगर आपका जो स्कोर है 150 नंबर, 160, 170 या 200 के नीचे रह रहा है, देन डेफिनेटली दोस्तों इतने नंबर पे सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको इसके लिए तैयारी जो है थोड़ी सी अपनी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और जो स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताई जा रही है, अगर आपके नंबर 200 से कम आ रहे हैं तो उस पर एक बार उसको फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको आउटपुट मिलने वाला है। छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने समझने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में चार सेक्शन होते हैं। आपका पहला जीके का सेक्शन, दूसरा हिंदी का, तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी का, ठीक है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का, ठीक। उसके बाद आपका मेंटल एप्टीट्यूड एंड आईक्यू एंड रीजनिंग, ठीक है। तो सबके देखिए, इसमें जीके आपका 38 मार्क्स का होता है, हिंदी आपकी 37 मार्क्स की होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी 38 नंबर के होते हैं और मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग ये 37 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको इन 100 क्वेश्चन के बेसिस पे आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका कुल मिला के 100 बोल रहा हूँ मैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है, मतलब कि 300 नंबर का पूरा पेपर आपका होता है, ठीक। तो ये तो हुआ परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, जो कि आपको पता है। अब देखिए, अगर आपको इस एग्ज़ाम में सफलता चाहिए, फाइनल मेरिट में आना है, ये नहीं कि सिर्फ रनिंग के लिए बुलाया जाए, फिजिकल के लिए बुलाया जाए, वैसा नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आना है तो डेफिनेटली आपको 220 नंबर से ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। 220 नंबर, अगर आप यूआर से हैं तो आपको प्लस फाइव नंबर ही लाना पड़ेगा, माइनस कहाँ बोल रहा हूँ मैं, यानी कि लगभग 225 नंबर के आसपास आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप 225 नंबर लाते हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे आएंगे 225 नंबर, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सेक्शन जो हैं वो कौन कौन से हैं, जीके, हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग, ठीक है। मैं जो बात करूँगा वो सिर्फ तीन टॉपिक पे करूँगा। आपको उसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, बहुत बढ़िया से तैयार कर लिया, और जो कि किया जा सकता है, बहुत ही ईजी सेक्शन है और उसमें आप डेफिनेटली नंबर लेकर के आएंगे और आप जो है अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करा हुआ है, मैंने UPSI का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करा हुआ है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन लिया हुआ हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो फेवरेट एरियाज़ होने चाहिए जिन पे आपको मेहनत करनी है और उसमें आपको नंबर लाना ही लाना है, वो आपका होगा हिंदी, ठीक है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, आपका मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड आईक्यू, ठीक है। ये तीन सेक्शन आपके देखिए, हिंदी हो जाएगा 37 का, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी 38 का, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग 37 का। ये मिला करके जो टोटल नंबर बनेंगे ये कितने बन रहे हैं आपके, ये लगभग आपके एक, ये आपका 130, 60, 30, 90, 90 और 105, 7, 112 क्वेश्चन बन रहे हैं। 112 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया पता है आपको, 224 नंबर। लेकिन आप बोलेंगे 224 नंबर कहाँ से आएगा, तो चलिए ठीक है, 112 क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी, जैसे मतलब कि मैथ्स में अगर आपने अच्छे से मेहनत किया,
बढ़िया से मेहनत कर दिया, आप यहाँ से 35+ का स्कोर करके ले जाएंगे, 35+ का स्कोर करके ले जाएंगे। सेम आपका रीजनिंग में भी होगा, यहाँ भी आप 35 का स्कोर करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके कितने नंबर बन गए, 70 नंबर। आपको इन दोनों नंबर को एकदम फुल कर देना है, ठीक है। इतना मेहनत करना है कि यहाँ आपके 37-37 क्वेश्चन सही बनने लगे। कोशिश करिए ये यहाँ पे आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत ईजी है। ये जो इसका मैथ्स होता है, इसका रीजनिंग होता है, बहुत आसान होता है। मैं आप लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दूंगा इसी चैनल पे, आप लोग खुद देखेंगे कि कैसे पेपर पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं और आप लोग आराम से उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको मैथ और रीजनिंग इन दोनों में 35-35 नंबर कम से कम लेकर के आना है, और अधिक से अधिक तो आप जानते ही हैं कितना लेकर के आना है, मैक्सिमम जितना नंबर ला सकते हैं, मैक्सिमम जितना मार्क्स आप लेके आ सकते हैं उतने नंबर लेकर के आइए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 70 नंबर यहाँ से लेके आए, आपका बच गया हिंदी, ठीक है। तो जो हिंदी वाला पोर्शन है 37 क्वेश्चन का पेपर, 37 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ये भी बहुत ही मुश्किल नहीं है सेक्शन। यहाँ भी आप चाहें तो आराम से 32+ का स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। हिंदी में 32+ का स्कोर आप ला सकते हैं। चलिए मैं मानता हूँ कि आपने यहाँ 30 नंबर लाया, 30 क्वेश्चन लेके आए, तो कितना क्वेश्चन बन गए, 100 क्वेश्चन आपके बन गए। यानी 112 में से 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करना ही करना है। ये 100 से 105 हो जाए, लेकिन ये 99 नहीं होना चाहिए, 100 से 105 आपको करना है, 99 नहीं करना है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको 112 क्वेश्चन जो है हिंदी का, मैथ्स का और रीजनिंग का, इनमें से कम 100 क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें आपको मैथ्स में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन और हिंदी में लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको करना होगा, जिस तरीके से आपके 100 से 102 नंबर आ जाएंगे। चलिए अब ये तो बात हो गई यहाँ से, मतलब यहीं पर आप 200 का स्कोर अचीव कर लेंगे, 200 का स्कोर आप आराम से अचीव कर लेंगे। चलिए अब आगे की हम बात करते हैं। आपने यहाँ पे 200 का स्कोर जब अचीव कर लिया, तो अब आपके पास क्या बच गया, जीके वाला पोर्शन बच गया, ठीक है। जीके में कितने पार्ट्स, कितने नंबर का पेपर है, 38 क्वेश्चंस आते हैं, 38 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि जीके आप अभी तक पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ रहे होंगे, आपने मॉक टेस्ट भी दिया होगा, आप खुद कमेंट करके बताइए कि जीके में आपके स्कोर कितना आ रहा है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या आप इसमें जो है 35 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्या इसमें आप 30 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे होंगे। 25 क्वेश्चन भी अगर आप इसमें सही कर पा रहे होंगे तो बहुत ही मुश्किल से कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस पर आपको बहुत जोर नहीं देना है, ठीक है, इस पर आपको सिर्फ इतना ही जोर देना है, मैं बता रहा हूँ कितना देना है। 200 नंबर आपने अपना अचीव कर लिया है मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी से, ठीक है। अब आपको जीके में 38 क्वेश्चन है, 38 में से आप टारगेट ये रखिए कि लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन सही हो जाए, 15 से 20 क्वेश्चन बस सही हो जाए, इतना ही टारगेट रखना है आपको, बहुत बड़ा नहीं कि यहाँ मुझे 25 या 30 क्वेश्चन करना है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर मान लीजिए आपने यहाँ 15 क्वेश्चन भी कर लिया, तो यहाँ पे 215 यहाँ पे आपने अगर 15 भी कर लिया तो आपके मार्क्स कितने हो गए, 15 × 30, यानी कि 230 नंबर आपका आ जाएगा। और दोस्त 230 नंबर पर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सकती है, ठीक है। मान लीजिए आपने थोड़ा अच्छा मेहनत किया होगा तो ये 15 × 18 हो जाएगा, ठीक है, तो ये और नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वह यही होना चाहिए कि मिनिमम आउटपुट पे मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट आए। वो कैसे आएगा, मैथ्स रीजनिंग हिंदी, मैथ रीजनिंग हिंदी, इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। इसमें आपको 200+ का स्कोर इन तीनों से ही लेकर के आना है, और डेफिनेटली आप ला सकते हैं दोस्त। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको आप फॉलो करिए, आप मॉक टेस्ट लगा के देखिए, इस हिसाब से आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आपके 230 नंबर आ गए तो फिर जो है जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वर्दी है डेफिनेटली आपका इंतज़ार कर रही होगी। 230 आउट ऑफ 300 काफ़ी अच्छा स्कोर होता है और इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, मेरी खुद की आजमाई हुई स्ट्रेटजी है, मेरा जीके वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, मैंने सिर्फ इन्हीं तीनों सब्जेक्ट के बदौलत यूपी पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। अब मैं इससे आगे ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, आपको फोकस बस इस पर रखना है कि मैथ्स रीजनिंग हिंदी, ठीक है, इसमें आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप मैथ्स में 37 का 37 सही कर सकें, 38 का 38 सही कर सकें, रीजनिंग में 37 का 37 सही कर सकें, तो भी अच्छी बात है, इतना भी किया जा सकता है, करते हैं लोग,
ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम को अप्रोच करिए, डेफिनेटली आपका सपना ज़रूर साकार होगा। और दोस्तों आप लोग बोलेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में इसी चैनल पे सॉल्व करवा दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अच्छा लगा हो तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।